नेहरू जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नेहरू जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नेहरू जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नेहरू जी का ये अपमान नहीं सहेगा। मूर्ति को गलत तरीके से रखने पर कांग्रेस कार्यकर्ता ने जताई नाराजगी। क्या गंदगी फैली है, गंदगी कर रहे हैं जानवर, गंदगी कर रहे हैं उसके बीच। ये तो वो लोग हैं जो लोग स्वतंत्रता सेनानी के साथ ये होता है, करने वालों के नियम कायदे होते हैं। प्राइवेट जगह है और यहाँ कूड़े के ढेर में लिखा रखा है। ये भी अपमान नहीं आया, जे भी देश के पहले प्रधानमंत्री ने जो भी देश की आजादी के लिए नेहरू जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। स्वतंत्रता सेनानियों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। स्वतंत्रता सेनानियों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नेहरू जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मूर्ति की स्थापना के लिए बड़े जो है उनको तो पता होना चाहिए मूर्ति स्थापित की जा रही है, वो रखी कैसे जा रही है, रखी कैसे जाती है। भारत रत्न स्वतंत्रता सेनानी के साथ ये होता है, निष्ठा करने वालों में भी कुछ नियम कायदे होते हैं। प्राइवेट जगह है किसी और यहाँ कूड़े के ढेर में लिखा रखा है। ये भी अपमान नहीं आया, जे भी देश के पहले प्रधानमंत्री ने जो भी देश की आजादी के लिए गलत हो रहा है। जो एक बैलेंसिंग संतुलन बना करके चलते थे वो क्रांतिकारियों का भी साथ देते थे, जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जो स्वतंत्रता से पूर्व का उनका योगदान है सुनहरे हरफों में लिखा जाने वाला है। आप किसी मुफ्त नहीं हो जाएंगे। जय हिंद जय भारत। अपमान है, बेशर्मी की हद ये है कि बताया नहीं जा रहा कि मूर्ति कहाँ गई। मूर्ति प्राइवेट प्रॉपर्टी में पड़ी है, किसी की चुनौती नहीं है। ये नेहरू जी हमारे लिए आदर्श विचार हैं, हम नेहरू जी को लेके चलेंगे और नेहरू जी को ससम्मान स्थापित करेंगे। स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति हटाने समय आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए जिन्हें देश की तरक्की के लिए अपना संपत्ति बलिदान कर। नेहरू जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 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 नेहरू जी का ये अपमान नेहरू जी का ये अपमान नेहरू जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नेहरू जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आजादी के लिए और अपनी सारी संपत्ति नेहरू जी ने इस देश के नाम कर दी। आज ऐसे राष्ट्र निर्माता के लिए किस हालत में उत्तर प्रदेश की सरकार ने और यहाँ के भाजपा के नगर निगम ने, आपने देखा किस तरीके से ये हालत बना दी। शर्म आती आज हम रोते, दिल से रोना आता कि ऐसे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिन्होंने अपने जान की आहुति देकर इन लोगों ने अपने घर को और सारी चीजों को त्याग कर यहाँ पर देश को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।